मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में का सृजन के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए इस सब बात बोलने से। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक है, उन्होंने विरोध किया है, क्या कहेंगे पार्टी में? हम अपनी बात रखेंगे, उनका उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर, मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में का सृजन के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए इस सब बात बोलने से। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक है, उन्होंने विरोध किया है, क्या कहेंगे पार्टी में? हम अपनी बात रखेंगे, उनका उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर, मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में का सृजन के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए इस सब बात बोलने से। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब चेतन आनंद आपकी पार्टी से विधायक है, उन्होंने विरोध किया है, क्या कहेंगे पार्टी में? हम अपनी बात रखेंगे, उनका उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर, मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं।